सेंटर ऑफ मोमेंटम फ्रेम, उसमें आपके पास जो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है वो हमेशा ओरिजिन पर रहेगी। तो ओरिजिन पर रहने की वजह से हमें फ़ायदा क्या होगा, हमारे पास रेफरेंस वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो जब आप रेफरेंस वैल्यू जीरो लेंगे, जीरो का मतलब यह है कि बॉडी जो है वो मास के है एट रेस्ट। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं सिस्टम के वो भी सारे के सारे क्या हैं, जीरो हैं। जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास होता है उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो आप स्पेस में फिक्स कर दें। फॉर एग्जांपल अगर स्फीयर है लाइक दिस वन, इसका सेंटर ऑफ मास तो आप सेंटर में ले सकते हैं, लेकिन अगर इसके बजाय कोई रिजिड बॉडी आ जाए लाइक दिस वन, मास की ये शक्ल है या ऑब्जेक्ट की ये शक्ल है, टेढ़ी मेढ़ी कोई इरेगुलर शेप है, तब आप इसका सेंटर ऑफ मास फिक्स नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हमारे पास मल्टी पार्टिकल सिस्टम आ जाते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं उसकी वेलोसिटी की दो वैल्यूज लेंगे। दैट इज कॉल्ड डिकम्पोज इट्स वेलोसिटी बाई राइटिंग इट्स सम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास, ये आप देख सकते हैं, नॉट नेसेसरी एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम द सेंटर ऑफ मास नीड नॉट टू बी फिक्स्ड इन स्पेस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वेलोसिटी डिफरेंट ले लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं वी कैन डिकम्पोज इट्स वेलोसिटी बाय राइटिंग द सम ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड द वेलोसिटी रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ मास। यानी फर्ज करें ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी सिस्टम की और ये है वेलोसिटी में चेंज, और दिस इज द वेलोसिटी फॉर सेंटर ऑफ मास। अगर आप इन दोनों वेलोसिटीज का सम लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल आएगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम। ये अब आपके पास इक्वेशन है फॉर मैनी पार्टिकल सिस्टम, जिसके अंदर हम सेंटर ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जो मैनी एप्लीकेशन जो होती है हमारे पास, बहुत सारी एप्लीकेशन जो होती हैं उनके अंदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स के लिए हासिल ली जाती है रिलेटिव टू सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी हमारे पास कंजर्वेशन होती हैं, वो चाहे मोमेंटम है, एनर्जी है, उन तमाम को हमने सामने रखना है और सेंटर ऑफ वेलोसिटी या सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। और याद रखिएगा सेंटर ऑफ मास के लिहाज से जो वेलोसिटी है जो आप एक बार डिफाइन कर लेंगे उसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास रेफरेंस बन जाएगा आपका। रेफरेंस पर या तो वेलोसिटी जीरो ली जाएगी या फिर आप उसकी वेलोसिटी को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे। तो मोस्टली हमारे पास ये होगा कि हमारे लिए कन्वीनियंट ये है कि टू एनालाइज द सिस्टम इन अ फ्रेम दैट मूव विद द सेंटर ऑफ मास। तो मोस्टली हम जो लेंगे अपना सिस्टम उसको हम कंसिडर करेंगे कि वो सेंटर ऑफ मास के साथ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, इसके लिए हम कैलकुलेशन करते हैं। फर्ज करें ये हमारे पास है इनिशियल वेलोसिटी लाइक दिस वन, ये हम वन डायमेंशन केस की बात कर रहे हैं क्योंकि टू डायमेंशन में ये सारा सिस्टम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वन डायमेंशन केस में हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है फॉर सेंटर ऑफ मास वो क्या बनेगी, चेंज इन द वेलोसिटी प्लस सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू वी आई। यानी पहले हम वन डायमेंशन केस में वेलोसिटी लेते थे वी आई, लेकिन अब वी आई का मतलब ये होगा कि वो आपके पास सम है जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है और जो आपके पास लेबॉरेटरी फ्रेम की वेलोसिटी है, इन दोनों का सम आएगा। तो ये सेंटर ऑफ मास का जनरल फार्मूला था, m1v1 + m2v2 / m1 + m2। तो यहाँ से आप vi- भी पढ़ सकते हैं, इसको vi' भी पढ़ सकते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये वहाँ जाकर माइनस कर देंगे क्योंकि तो आपके पास आ जाएगा रिलेशन। अब आप vcm की वैल्यू इसमें यूज़ करेंगे, इसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इसका। ये देखें, ये एलसीएम ले लेंगे आप। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये दो टर्म्स जो हैं m1 v1 ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो ये दो टर्म्स आपके पास बचेंगे। इन दोनों में देखें आप m2 कॉमन है तो ये बन जाएगा v1 - v2। दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये फर्क आ रहा है कि आपके पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो लेबॉरेटरी फ्रेम से सेंटर ऑफ मास फ्रेम में जब आप मूव करेंगे या फिर सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से बॉडी को मूव करेंगे या वो कोलाइड करेगा तो उसकी वेलोसिटी जो है वो इक्वल आएगी टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड रिलेटिव वेलोसिटी। सिमिलरली v2' निकाल सकते हैं, v2 - vcm। अगेन ये vcm की वैल्यू आप यहाँ पर यूज करेंगे, इसमें इसी तरह से सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, अगेन वही आंसर आ जाएगा,
रिलेटिव वेलोसिटी के साथ। तो फर्क सिर्फ यह आएगा कि एक वेलोसिटी आपके पास v1 जो है वो 5.33 में प्लस आएगी। ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगी, और दूसरी आपके पास आएगी माइनस में। तो इन दोनों में जो आप देख सकते हैं क्लियरली वाजे तौर पर, दोनों वेलोसिटी जो वो इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड देयर रिलेटिव वेलोसिटीज आ रही। यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है याद रखने की, वो ये है कि इट डज नॉट मैटर वेदर वी कैलकुलेट रिलेटिव वेलोसिटी इन लेबोरेटरी फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये जो दोनों इक्वेशन आई हैं इनके लिए हमारे पास सिमिट्री आनी चाहिए कंपोनेंट्स में। ये ना हो कि आपके पास यहाँ पर एक मास की रेशो आ रही है। अगर देखें यहाँ पर, अभी पीछे हमने लास्ट में प्रूव किया था इलास्टिक कुलिन वन डायमेंशन में कि वेलोसिटी इज इन्वर्सली टू द रेशो ऑफ मास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलोसिटी अगेन मास के रेशो के इक्वल आ रही है, इनवर्स रेशो के इक्वल आ रही है। अगर ये 1 है तो ये 2 आ रहा है, इसी तरह से अगर यहाँ पर 2 है तो ये क्या आएगा आपके पास 1। सिमिलरली आप इसकी जिस तरह आपने इनिशियल वेलोसिटीज कैलकुलेट की, आप फाइनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइनल वेलोसिटी में हम जानते हैं मोमेंटम का रिलेशन आ जाएगा पी इज इक्वल टू एम वी। तो ये यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर देंगे v1 की जो आपने फाइंड आउट की है, इस जगह पर v1 की वैल्यू आ जाएगी। इसको अब आप सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। इसको आप म्यू से जाहिर करते हैं, यानी मास का प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, दिस इज अगेन इक्वल टू अ न्यू मास, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव मास। और p2 निकालेंगे सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए, अगेन v2 की वैल्यू 5.34 से, दिस इज अगेन इक्वल टू माइनस वी म्यू वी रिलेटिव। यहाँ पर जो हमने टर्म इंट्रोड्यूस कराई है इसको इफेक्टिव मास या सम टाइम इसको रिड्यूस मास कहते हैं, टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो ये आपके पास आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू m1 m2 ओवर m1 प्लस m2। यहाँ पर ये वाजे तौर पर आप देख सकते हैं कि सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो जीरो आएगा, क्योंकि आप इसे इक्वेशन में देख सकते हैं फ्रॉम ये देखें आप, ये जो है वी म्यू वी रिलेटिव p1 और p2 आया माइनस म्यू वी रिलेटिव। जब आप इन दोनों का सम लेंगे तो ये प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, द रिजल्ट विल बी इक्वल टू जीरो। और किसी भी सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम जीरो आता है, इट मीन दैट मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इलास्टिक कुलियन वाले केस में सेकंड टाइप थी हमारे पास कंजर्वेशन की, काइनेटिक एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी कंजर्व। कंजर्व का मतलब है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, आप इसमें एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये आप एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, ये बन जाएगा मोमेंटम। तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर ओवर 2 m। अब काइनेटिक एनर्जी की इनिशियल टर्म दो मैसेज है, तो ये फर्स्ट के लिए काइनेटिक एनर्जी आ गई, सेकंड के लिए बिफोर कुलियन, और ये आपके पास आ गई आफ्टर कुलियन। इनिशियल है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग बिफोर कुलियन, और दिस टर्म रिप्रेजेंटिंग द आफ्टर कुलियन या फाइनल वेलोसिटी या फाइनल मोमेंटम। तो अब आप इसमें देखें, ये पी की वैल्यू हमने पीछे डिफाइन की थी म्यू वी रिलेटिव, तो ये स्केयर है, स्केयर की वजह से दोनों का स्केयर आ जाएगा। तो दूसरी टर्म है वो माइनस में थी, माइनस का ये स्केयर अगेन, ये भी क्या आ जाएगा आपके पास प्लस। इसी तरह से ये टर्म आ जाएगी म्यू की वैल्यू, और ये अब इसमें आप देखें इसको हम डिवाइड कर देते हैं म्यू स्केयर से, दिस इज म्यू स्केयर, ये तमाम म्यू स्केयर आपस में सारे क्या हो जाएंगे यहाँ से कैंसल हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा वी रिलेटिव ओवर 2 m1 प्लस वी रिलेटिव स्केयर ओवर 2 m2, इसी तरह से दिस वन। तो इसको फर्दर आप देख सकते हैं यहाँ से, अगर हम मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आप देख सकते हैं कि मैसेज सेम होने की केस में ये तमाम मैसेज वाली टर्म में m1 आपके पास आ जाएगा, और जब तमाम में m आएगा आप इसको m1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपके पास दोनों साइडों पर, ठीक है। तो ये v रिलेटिव 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू v रिलेटिव 2 f स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो v रिलेटिव फाइनल इज इक्वल टू v रिलेटिव इनिशियल। तो यहां से ये बात सामने आ गई है कि दैट इन एन इलास्टिक कुलियन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम
वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग पार्टिकल इज रिवर्स। वेलोसिटी रिवर्स का मतलब है कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो फाइनल वेलोसिटी के इक्वल आएगी, लेकिन डायरेक्शन क्या आएगी? अपोजिट। लाइक दिस वन, वी वन एफ इज इक्वल टू माइनस वी एफ। ये वी वन हमने पीछे 5.33 में निकाली थी, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज अगेन इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी दिस वन, और इसी तरह से टू में करेंगे, टू की वैल्यू पुट करेंगे, दिस इज अगेन इक्वल टू वी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन आ गई 33 एंड 34, सॉरी, होल्ड इन अ मल्टीपल डायमेंशनल केस एज वेल। यानी हमने तो इसको वन डायमेंशन केस में डिफाइन किया ना, तो ये आपके पास मल्टीपल डायमेंशन केस में भी आ सकती है। सिंस द टोटल मोमेंटम इन सेंटर ऑफ मास फ्रेम इज जीरो, दस द फ्रेम इज सम टाइम आल्सो रेफर टू एज जीरो मोमेंटम फ्रेम। तो ये इसका फाइनल जो है कंक्लूजन है कि मोमेंटम जीरो होने की वजह से हम समटाइम इसको क्या देते हैं, जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होपफुली आपको तमाम चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हमें कमेंट्स कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।